हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं आपका दोस्त जावेद पानी आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज मनी डॉट कॉम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में एक खास चीज लेके आया हूं। कुछ लोगों की डिमांड होती है कि क्या हम एल्युमिनियम की किचन बनवाने के लिए क्या नीचे आरसीसी की स्लैब डलवाएं, जैसे कि आप लोग स्लैब भी डलवाते हो साथ में खड़े पत्थर भी उसमें फिट कराते हो, क्या इस तरह से भी बिना इन चीजों के भी हमारी ये किचन बन सकती है। आज इस चीज पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि टोटल किचन आज हम बिना आरसीसी स्लैब के बनाने वाले हैं, और किस तरह से उसमें हमने फ्रेमिंग की थी, किस तरह से उसमें हमने पत्थर की फिटिंग की है, इस सब चीज के बारे में आज बारीकी से बताने वाला हूँ। और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि टोटल किचन एल्युमिनियम की बिना आरसीसी की स्लैब के हम इसको किस तरह से बनाते हैं। तो वीडियो में मैं बहुत कुछ बताऊंगा आपको, काम आपकी समझ में आएगा। कभी आपको काम कराना होता है तो आप किस तरह से काम कराएंगे, तो इस चीज के बारे में मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल न्यूज मनी डेकोर को एक बार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी वीडियो आप तो मेरी वीडियो नीचे शो करती रहेंगी, आप उसको स्क्रॉल करते रहोगे तो वीडियो आपके सामने आती रहेगी। क्योंकि कुछ लोगों का कहना होता है कि भाई आपकी वीडियो एक ही आ रही है, दूसरी वीडियो नहीं आ रही, तो वीडियो आने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब जाके हमारी वीडियो आपको लगातार देखने को मिलेंगी, और जो लेटेस्ट वीडियो होती है वो भी सब आपको देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को एक बार फिर से हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये देखिएगा, ये एकदम खाली जगह है, और खाली जगह में हम अपने फ्रेमिंग इसमें करने वाले हैं, और दीवार पे इस पर टेल लगाने वाले हैं, और टेल लगाने के बाद आगे का सेटअप इसमें हम तैयार करने वाले हैं। ये सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें बिना आरसीसी के ये काम होने वाला है, बिना आरसीसी की स्लैब के काम होने वाला है, और ये सारा काम हमारी फ्रेमिंग को होने वाला है, जैसे कि मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखिएगा, नीचे हमने इसमें सामने टेल लगा रखी है, और टेल लगाने के बाद हमने ऊपर से अपनी फ्रेमिंग कर दी है, और फ्रेमिंग करने के बाद अब हम ऊपर टॉप वाला भी पत्थर इसमें लगाएंगे, और टॉप वाले पत्थर लगाने के बाद फिर सामने दीवार पर टेल्स लगाएंगे, जिससे कि हमारे फ्रेम को मजबूती अच्छी मिल जाएगी। और ये सब होने के बाद में आगे जो हमारी फ्रेमिंग हो जाएगी, इसके बाद का भी सेटअप मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो मैं आपको आगे का सेटअप दिखाता हूं। दोस्तों, ये किचन मैं आपको दिखा रहा हूं। इस किचन को मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूं, इसमें हमने कोई आरसीसी की स्लैब नहीं ली है, और टोटल ये हमने जो पत्थर है अपने ही सेक्शन के ऊपर हमने इसको फिट किया है, और सेक्शन के ऊपर फिट करने के बाद ये ऊपर का बॉक्स हमने बनाया, ये बॉक्स बिल्कुल हवा में रुका हुआ है, इसमें कोई आरसीसी की स्लैब नहीं। इसको हमने अपने स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से इसको हमने पूरा कंप्लीटली कर रखा है, और यहाँ पर हम आर देने वाले हैं, यहाँ पर हम दो पल्लों का सेटअप देने वाले हैं, और यहाँ पे ये कॉर्नर वाले पल्ला बना करके इसको भी कंप्लीट करने वाले हैं। और नीचे ये हमने आप देख रहे हो, इसकी जो चौड़ाई है हमारी 6 फुट की चौड़ाई है, 6 फुट बाई 3.25 फुट की इसकी हमने हाइट रखी है, जो स्टैंडर्ड साइज है। और यहाँ पर हमने पत्थर को भी डबल पत्थर लगा करके इसको मोल्डिंग करके लगा दिया है, डबल पत्थर को हमने ऐसे लगाया जैसे कि आपको जैसा कि आपको ऐसा लगे कि हमने इस काम को जो किया है आरसीसी की स्लैब पे काम किया है। मैं नीचे का आपको हल्का सा सेटअप दिखाऊंगा, जो हल्के से सेटअप में मैं आपको दिखाऊंगा पत्थर मैंने इसमें कैसे रखा है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, हमने 3 बास्केट दे रखी है, यहाँ पे हमने सिंह के हिसाब से पल्ले दे रखे हैं, यहाँ पे पल्ला बनना बाकी है, और नीचे का काम यहाँ पे पल्ला बनना बाकी है, और एक इसमें स्लैब डालना बाकी है। ये टोटल काम एल्युमिनियम सेक्शन का है, और पूरा ही काम मैं आपको जो दिखाऊंगा पूरी किचन बनने के बाद में उसकी भी वीडियो में आपको अलग से इसमें डाल दूंगा, या फिर इसी में ही डाल दूंगा, ठीक है ना। तो पूरी किचन हमारी बन जाएगी, उसके बाद भी मैं पूरा सेटअप आपको उसमें दिखाने वाला हूँ।